हेलो एवरी वन नमस्ते मैं हूँ अन्य एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होप यू कैस आर डूइंग रोअल वेरी वेल तो टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली एक मेकअप ट्यूटोरियल uh, जैसे कि हरियाली तीज जो है आने वाली है हरितालिका तीज भी आने वाली है बट ये बेसिकली जो मैंने मेकअप किया है वो हरियाली तीज के लिए किया है तो लेट्स सी द प्रोसीजर कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी स्टेप्स हैं एंड इसमें मैंने दो लुक्स दिखाए हैं एक पूरी हैवी ज्वेलरी पहन करके एक ये सिंपल ईयरिंग पहन करके तो इट्स योर चॉइस कि आप कैसे उस चीज़ को कैरी करना चाहते हैं तो या विदाउट ब्राबरिंग एनी मच मोर लेट जस्ट गेट स्टार्टड विद द वीडियो तो गाइस सबसे पहले हम लैक मै ऐप का जो है ल्यू मी ब्लर प्राइमर लगाएंगे अपने टी जोन एरिया पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ऑइल उज आउट होता है तो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा लगाएंगे और आप तुरंत इंस्टेंट डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरा फेस जो है पूरा मैट लुक में uh, कन्वर्ट हो गया है आपको एक अच्छा कैनवस मिल जाएगा फिर मैं यहाँ का इनसाइड का एच डी कंसील पैलेट ले रही हूँ इसमें से मैं ऑरेंज करेक्टर ले करके अपने अंडर आइज़ एरिया को जो है कंसील करूँगी अच्छे से ताकि मेरा जो डार्क सर्कल है ना वो थोड़ा सा कवर हो जाए इवन तो मुझे बहुत ज़्यादा है नहीं बट फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो हाइड हो जाए एंड मेरे नाक पर चोट लगी मैं वही दिखा रही थी तो मैंने इसको ब्रश अच्छे से ब्लेंड कर लिया और थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन आपके माउथ एरिया के अराउंड भी होती है तो वहाँ पर भी हल्का फुल्का लगा करके आप कंसील कर सकते हैं अच्छे से उसको लेके ब्लेंड कर लीजिए आप ब्रश से चाहे या फिर ब्यूटी ब्लेंडर आप दोनों में से किसी चीज़ के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हैं मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर भी लेके फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा प्रेफर है मतलब ब्रश के ओवर उसके बाद मैं यहाँ फाउंडेशन के लिए दो फाउंडेशन को मिक्स कर रही हूँ मेबलिन का है फिटमी टू थर्टी और इनसाइड कॉस्मेटिक का है मैं सारे प्रोडक्ट्स का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी तो आप चेक uh, कर सकते हैं शेड नेम के साथ तो दोनों को अच्छे से मिक्स करके डॉट डॉट लगा करके फिर मैं उसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से uh, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा फिक्सिंग स्प्रे मेकअप फिक्सर लगा करके उसको ब्रश के मदद से भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है और ये सैंड सेबल है ये हाइलाइटिंग कंसीलर है तो मैं अपने सारे हाइलाइटिंग एरिया में उसको अच्छे से लगा करके थोड़ा सा मतलब कम ही प्रोडक्ट में यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं उसको आ, ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से आ, ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जो भी आप प्रेफर करते हो जैसा मैंने बताया मेरी स्किन और मेरे हेयर दोनों अच्छा Uh, इस टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मानसून में तो मेरी स्किन में अच्छे से थोड़ा फाउंडेशन ब्लेंड भी नहीं हो रहा था इवन दो आई हैव प्रिपेयर्ड माय स्किन बट फिर भी तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को देख लीजिएगा कंसिडर कर लीजिएगा मैं बता दे रही हूँ इसी वजह से थोड़ा ब्लेंडिंग में इशू लग रहा था मुझे तो उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करके आ, पूरी चीज़ को मिला लूँगी और आपको ड्रैग नहीं करना है बस उसी के प्लेस पे ब्लेंड करना है फिर मैं उसी एच डी कंसील पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड लेकर के मैं उसको एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर uh, के लिए मैंने मतलब अपनी जॉ लाइन पे और चीक बोन के नीचे और उसके बाद अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे सब पे मैंने uh, उसको अप्लाई किया और सबको आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ब्लेंड करना है अच्छे से तो उसको आप अच्छे से ब्लेंड करिए जिस प्रोसेस से मैं दिखा रही हूँ उसी प्रोसेस से आपको ब्लेंड करना है और जो आप फॉरहेड पे लगाते हैं उसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करिए अगर आपको थोड़ा भी ज़्यादा लगता है तो आप उसको ब्रश से और थोड़ा सा आ, कम कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का आ, ब्लश लिया है मिनी ब्लश उसके बाद मैं लगा रही हूँ उसके बाद मैं अच्छे से उसको भी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा हो गया है तो जिस ब्लेंडर से आपने अपना फाउंडेशन ब्लैंड किया था उसी से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं ताकि आपका जो भी ओवर लग रहा है प्रोडक्ट वो बैलेंस हो जाएगा जैसे मैंने यहां पे किया है मुझे लगा कि थोड़ा सा ओवर हो रहा था तो इसलिए मैंने उसी ब्लेंडर की हेल्प से उसको बैलेंस कर लिया फिर मैं यहां पे ले रही हूं इनसाइड का ही लूज़ uh, पाउडर उसको मैं अपने अंडर आई एरिया और जहाँ जहाँ भी मैं कंसीलर लगाती हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर लगाती हूँ मैं वहीं पे लगा करके उसको अच्छे से uh, एक दो सेकंड बाद उसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ मिस क्लेयर की मैंने आईब्रो पेंसिल ली है ब्राउन शेड में उसको अच्छे से मैं लगा करके जो गैप्स हैं उसको फिल इन करके फिर मैं एक स्पूली की हेल्प से उसको अच्छे से कोम कर लूँगी ताकि सारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपकी आईब्रो डिफाइन लगे फिर मैं मास्क मास्क का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ उसमें से मैं एक लाइट ब्राउन शेड कलर ले कर के अपने क्रीज के ऊपर प्लेस करूँगी एज अ ट्रांजिशन कलर आपको आउटवर्ड uh, से इनवर्ड डायरेक्शन में जाना है ब्लेंड करते हुए उसको अच्छे से ब्लेंड करिए फिर मैं उससे एक शेड डार्कर ब्राउन ले रही हूँ और उसको मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ ठीक है उसको प्लेस करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इनवर्ड डायरेक्शन में उसके बाद मैं एक ब्रश लूँगी एंड दोनों Uh, जो मैंने आई शेडो लगाएं उसको अच्छे से ब्लेंड कर, ब्लेंड करेंगे इनवर्ड uh, डायरेक्शन में और जब आपको लगे कि आपको एक परफेक्ट डिज़ायर्ड अमाउंट मिल गया है तो आप ले सकते हैं फिर मैंने एक शिमरी शेड लिया है एंड मैं इसको कट क्रीज तरीके से जो है हाफ ऑफ द लिड तक मैं लगाऊंगी उसको आप फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं फिर मैंने इसको लगाया फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और उसको ब्लिंगी बनाना तो फिर मैंने उसके ऊपर हाथ से ही दोबारा वही कलर जो है प्लेस कर दिया जिससे कि वो और भी ज़्यादा हाईलाइटिंग हो गया और ज़्यादा सुंदर लगने लगा और फिर मैंने उसी सेम पैलेट से मैंने ये ग्ली, ग्रीन कलर का सॉरी लाइट ग्रीन कलर का आई शेडो लेकर के अपने लोअर लैश लाइन पे लगाया है वो कैमरे पे उतना विजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि ये बहुत ही लाइटर शेड था आप अगर चाहें तो ग्रीन काजल भी लगा सकते हैं या फिर अगर आपको नहीं लगाना ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन कलर एलिमेंट ऐड ही करें मेकअप में क्योंकि आपका आउटफिट ग्रीन ही है तो आप ज़रूरी नहीं है उसको ग्रीन रखें तो मैंने हल्का सा बस लगाया है उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर बार का जो है काजल लिया हुआ है और उसको मैं अपने पूरे लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों पे लगाऊंगी अच्छे से और एक बस पतली सी स्ट्रोक दे रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बोल्ड नहीं कर रही हूँ और आज मैं लगा रही हूँ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फेक आई लाशेज और आ, मैंने उसको अच्छे से स्टिक किया मुझे बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टिक करना नहीं आता बट किसी तरह सम हाउ आई मैनेज टू स्टिक इट और मैंने दोनों पे लगाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा खुश हो रही थी कि मैंने लगा लिया फाइनली फिर मैंने यहाँ मास्क का मस्कारा लिया है एंड मैं हल्का हल्का ऊपर वाले लैशेस पे लगाऊंगी ताकि मेरी ओरिजिनल और फेक लैशेस थोड़ी सी मर्ज हो जाए और अच्छे से आप अपने लोअर लैश लाइन को जो है अच्छे से मस्कारा उसके ऊपर लगाइए ताकि आपकी आंखें और सुंदर और पिटी दिखे बिना मस्कारा के तो मेकअप कंप्लीट ही नहीं लगता है मुझे तो मैंने लगाने के बाद अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया मैंने वही जो शिमरी कलर अपने आईलिड पे लगाया वही सेम आ, कलर में लेकर के एक पॉइंटिंग ब्रश के हेल्प से मैंने इनर कॉर्नर पे जो है उसको प्लेस किया है इससे ताकि आइज़ जो होती है ना वो थोड़ी ओपन अप लगती हैं उसके बाद मैं अपनी आ, जो फेक लैशेज लगाई हैं उसके वॉन्ट को छुपाने के लिए मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ और आप चाहें तो काजल भी लगा सकते हैं बट यहाँ पे मैं बहुत कम विंग्ड आई लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा विंग्ड लाइनर अच्छे नहीं लगते हैं आप चाहें तो प्रॉपर विंग लाइनर भी लगा सकते हैं फिर मैंने थोड़ा सा लाइनर लेकर के अपनी इनर कॉर्नर पे मतलब थोड़ा सा मैंने आ, बाहर की तरफ निकाला है इससे कुछ मतलब अलग सी लग रही थी मेरी आँखें सुंदर लग रही थी एंड उसके बाद हम मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ले करके अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद स्प्रे करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ अपने स्किन में और ट्रस्ट भी इससे मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है उसके बाद मेकअप को अच्छे से सेट करने के बाद मैं अपने लिप्स को जो है डिफ़ाइन कर रही हूँ मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लाइनर लिया है रेड आ, कलर में जब मैं सारे प्रोडक्ट्स के जो आ, मतलब सारे नाम है अच्छे से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चेक कर लेना अच्छे से डिफ़ाइन करने के बाद मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाई है ब्लू हेवन की एकदम प्रॉपर रेड कलर में फिर मैंने उसको थोड़ा टोन अप किया हल्का सा लाइटर किया फिर मैंने सिंदूर भी लगा लिया अच्छे से एंड उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने सारे हाई पॉइंट्स को एकदम मस्त चमका रही हूँ ताकि मेरा फेस जो एकदम चमक जाए तीज त्यौहार पे तो मौके होते हैं कि आपको अपना चेहरा ज़रूर चमकाना चाहिए तो मैंने यहाँ पर सारे हाइलाइटिंग जगहों पे हाइलाइटर जो है अच्छे से लगा लिया है फिर मैं ब्रश की हेल्प से भी थोड़ा सा उसको सेट कर रही हूँ ताकि बहुत ओवर भी ना लगे क्योंकि मुझे हाईलाइटर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है फिर मस्त मैंने चूड़ियाँ पहन ली बिंदी लगा लिया मंगलसूत्र पहन लिया जूलरी पहन ली जो भी आपको पहनना है एड प्लस माइनस जो करना है वो आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं और इसमें भी मैंने दो लुक दिखाया है एक हैवी है थोड़ा सा जब मैं पूरा फुल सेट पहन रही हूँ आप चाहे तो सिर्फ ईयर पहन सकते हैं या सिर्फ गले का पहन सकते हैं वो जैसा कि मैंने बताया कि वो बिल्कुल आपकी चॉइस है ये सेट का लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मैंने लिया था सरोजनी नगर से और बहुत ही प्यारा और डेलिकेट सा सेट है इसका जो ग्रीन गोल्डन और पिंक कलर है वो रेड कलर नहीं है बट कैमरे में डेफिनेटली रेड कलर आ रहा है एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड आप लिपस्टिक जो है न्यूड भी रख सकते हैं लाइक इट्स योर चॉइस और ये है मेरा मेकअप लुक एंड ये जो मीनाकारी मैंने झुमके पहने हैं ये मैंने लिए हैं मीशो से इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ सो दैट्स अबाउट द वीडियो एज़ आई होप आपने ये मेकअप लुक जो है बहुत ही इंजॉय किया होगा अगर इंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये मेकअप लुक मेरा कैसा लगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे आने वाली वीडियोज़ की आल बी सुपर सून बैक विद न्यू वीडियो इजन बाय टेक केयर